नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 समाचार चैनल। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य कि हमारा जन्म भारत में हुआ। पंडित नंद किशोर असोपा। महेश्वरी समाज पूर्वांचल की श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्दिवस में जड़ भरत अंजामिल प्रसंग सुनाया। भोपाल महेश्वरी समाज पूर्वांचल की ओर से यशोदा गार्डन में आयोजित श्री भागवत कथा के आज चतुर्दिवस पर व्यासपीठ से पंडित आचार्य नंद किशोर असोपा ने जड़ भरत अंजामिल का प्रसंग सुनाया। पंडित ने कहा कि ऋषभदेव जी के सबसे श्रेष्ठ पुत्र भरत जी थे, वे बड़े ही भगवत भक्त थे। इन्हीं भरत के नाम से अपने देश का नाम भरतखंड पड़ा। ऋषभदेव जी के पश्चात महाराज भरत ने देश का शासन संभाला। महाराज भरत बहुत ज्ञानी थे। वे अपने अपने कर्मों में लगी हुई प्रज्ञा का अपने बाप दादाओं के समान सुवर्धम में स्थित रहते हुए अत्यंत वात्सल्य भाव में से पालन करने लगे। वे अनेकों यज्ञ करते और उस यज्ञ कर्म में होने वाले पुण्य रूप फल को यज्ञ पुरुष भगवान वासुदेव को अर्पण कर देते। इस प्रकार कर्म की शक्ति से उनका अनंत करण शुद्ध हो गया और वह उन्हें दिनों दिन वेग पूर्वक बढ़ने वाली श्रीहरि की उत्कृष्ट भक्ति प्राप्त हुई। ऐसे 1 करोड़ वर्ष निकल जाने पर उन्होंने राज्यभोग का प्रारंभ क्षीण हुआ जानकर अपनी भोगी हुई वंश परंपरागत संपत्ति को यशयोग्य पुत्रों में बांट दिया। वह अपने सर्व समर्पित संपन्न राजमहल का विवेकपूर्ण त्याग कर दिया। कथा के आयोजनकर्ता महेश्वरी समाज पूर्वांचल, महेश्वरी महिला मंडल और युवा संगठन का सहयोग मिल रहा है। कथा के मुख्य यजमान विकास प्राची मुदंडदा तथा मुख्य सह यजमान श्री निवास श्याम तोशीनवाल एवं प्रदीप निशा गोदानी है। महेश्वरी समाज पूर्वांचल भोपाल के अध्यक्ष सुमित महेश्वरी और सचिव राजेश महेश्वरी ने बताया कि कथा स्थल यशोदा प्रिविलेज मैरिज गार्डन में आयोजित श्रीमद् भागवत पाठ आयोजन से संपूर्ण समाज में बहुत उत्साहपूर्ण वातावरण है। इसलिए भगवान के नाम के ऊपर नाम रखो, उसके बाद में वहां पर शंभु नारदो शंभु कुमार कपिलो मुनि प्रहलादो जनको भीष्मो मैं शिशिर महेश्वरी, मध्य प्रदेश का उपाध्यक्ष और अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल सदस्य हूँ। आज का जो ये आयोजन हो रहा है महेश्वरी समाज पूर्वांचल भोपाल के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का यशोधरा प्रिविलेज के अंदर में यह आयोजन कराया जा रहा है। यह आयोजन पितृपक्ष में कोरोना में दिवंगत आत्माओं और एवं अन्य दिवंगत आत्माओं की स्मृति में ही यह कार्य कराया जा रहा है। सामाजिक उद्देश्य को लेकर यह संस्था कार्य कर रही है और यह पावन अवसर आया है। ये बड़े भाग्य की बात है हम सबके लिए कि पितृपक्ष में ही ये आयोजन हो रहा है। पंडित जी बीकानेर से आए हैं। पंडित जी कृष्ण प्रेमी हैं। श्री नंद किशोर जी आसोपा बीकानेर वाले इनका है। हम सबके लिए तो बड़ा ही अलग किस्म की अनुभूति है क्योंकि इस प्रकार का आयोजन महेश्वरी समाज में पहली बार हो रहा है। श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन ही पहली बार किया जा रहा है और वो भी हम सब दिवंगत आत्माओं की स्मृति में कर रहे हैं, इसलिए हम सबको अपने अंदर मनोभाव से हम सब बड़े द्रवित भी हैं कि हमारे पूर्वजों और सभी इस समय में हम इस स्मृति में कार्य कर पा रहे हैं। हम नियमित रूप से हमारे पूर्वांचल के अंदर में रोज का एक ड्रेस कोड दिया गया है तो उसके आधार पर हम लोग वस्त्र का धारण कर रहे हैं। जय श्री कृष्णा। मैं माहेश्वरी महिला मंडल पूर्वांचल भोपाल की सचिव मिनी गांधी। हम लोगों ने ये जो पूरे पूर्वांचल माहेश्वरी समाज ने ये एक भागवत कथा का आयोजन किया है जो हमारी दिवंगत आत्माएं हैं
जो कोविड काल में हमारे जो पूर्वज हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए ये आयोजन किया जा रहा है। 7 दिन की भागवत है ये, बीकानेर से महाराज जी पधारे हैं और इसमें पूरा माहेश्वरी समाज बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है और सभी बहुत सहयोग कर रहे हैं। और बिल्कुल महिलाएं सबसे आगे रहती हैं, संख्या में भी देखेंगे तो शायद पुरुष की अपेक्षा महिलाएं ज्यादा दिखेंगी, पुरुष वर्ग भी बहुत हैं, महिलाएं तो हैं ही हैं। महिलाएं ही धर्म को ज्यादा मानती, पुरुष अपने कार्य क्षेत्र, अलग अलग सबके कार्य क्षेत्र बटे हुए हैं जैसा कि बताया गया है, तो धर्म क्षेत्र में महिलाएं आगे रहती हैं, कार्य क्षेत्र में पुरुष आगे रहते हैं। बहुत आनंद आ रहा है, बहुत रसमयी और बहुत अच्छा जो उनका मतलब बहुत अच्छा बोल रहे हैं बहुत, और सभी बहुत आनंद ले रहे हैं और सब बहुत बहुत रसमयी और हर प्रसंग बहुत अच्छे से कर रहे हैं वो, जैसा कि आज हाँ चौथा दिन है और आज जैसे गजेंद्र मोक्ष था आज जो है नरसिंह अवतार, कल नंद उत्सव होगा, बहुत आनंद आ रहा है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही, बने रहे हेडलाइन 24 समाचार के साथ, नमस्कार। ऐसी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।